एक दिन की ग्रीस यात्रा पर एथेंस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। ग्रीस की राष्ट्रपति ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया सम्मान। भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने उठाया एलएसी का मुद्दा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान हुई मुलाकात, दोनों नेताओं ने तनाव कम करने पर जताई सहमति। In that conversation with President Xi Jinping, Prime Minister highlighted India's concerns at the unresolved issues along the LAC in the western sector of the India-China border area. चीन मामले में राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का हमला, आरोपों को बताया आधारहीन, पूछा चीन की तारीफ क्यों करते हैं राहुल गांधी। फितरतन चीन के बारे में आधारहीन और अनर्गल बयान देने के आदि हो गए। चंद्रयान 3 का एक और वीडियो इसरो ने किया जारी। लैंडर विक्रम से बाहर निकलता दिखा रोवर प्रज्ञान, चांद की सतह पर उतरने का एक्सक्लूसिव वीडियो। अमर मणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी की रिहाई पर रोक लगाने से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का इनकार। यूपी सरकार से 8 हफ्ते में मांगा जवाब। मधुमिता शुक्ला की हत्या के मामले में अमर मणि को हुई उम्र कैद की सजा। लगातार बारिश से हिमाचल और उत्तराखंड में भारी तबाही, पहाड़ों से चट्टान गिरने से कई जगहों पर बड़ा नुकसान। हिमाचल में 24 घंटे भारी बारिश का मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल के लिए किया क्वालिफाई। पहली कोशिश में 88.77 मीटर फेंका भाला। हंगरी में चल रहा है मुकाबला। वैग्नर चीफ प्रिगोजिन के विमान की नई तस्वीर आई सामने, कई लोगों ने किया विमान का निरीक्षण। प्रिगोजिन की मौत पर अमेरिका का बड़ा दावा, कहा रूस ने मिसाइल से प्रिगोजिन को मार गिराया। और न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए फिर एक बार न्यूज 18 इंडिया पर ही जताया भरोसा। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर वन भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर वन पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर वन न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर वन न्यूज चैनल। और अब बात उस शख्स की जो पुतिन का था सबसे वफादार लेकिन फिर बन गया गद्दार। बात योगनी प्रिगोजिन की। प्रिगोजिन को लेकर एक बड़ा दावा किया जा रहा है और एक दिन पहले ही वैग्नर ग्रुप के प्रमुख एवगेनी प्रिगोजिन की मौत की खबर भी सामने आई और दावा किया जा रहा है कि प्रिगोजिन जिंदा है। बेलारूस की मीडिया का दावा है कि प्रिगोजिन अब भी जिंदा है और बेलारूस की मीडिया का दावा है कि जो विमान हादसे का शिकार हुआ था उसमें प्रिगोजिन मौजूद ही नहीं थे, वो किसी दूसरे विमान में मौजूद थे। ये दावा अब किया जा रहा है। जिंदा है वैग्नर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन। येवगेनी की मौत की खबर गलत। पुतिन के बागी की मौत मिस्ट्री। पुतिन के बागी और वैग्नर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन की मौत अब मिस्ट्री बन गई है। वैग्नर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के जिंदा होने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। ऐसा ही दावा ब्रिटेन के मीडिया ने भी किया है। वहां के अखबारों में छपी कुछ खबरों में इस बात की आशंका जताई गई है कि बुधवार को हुए विमान हादसे में प्रिगोजिन की मौत हुई ही नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी 2019 में भी कुछ इसी तरह वैग्नर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के विमान हादसे में मारे जाने की खबर सामने आई थी। लेकिन उस हादसे के 3 दिन बाद उन्होंने दुनिया के सामने आकर सबको चौंका दिया था।
वहीं दुनिया में वैगनर प्रमुख प्रिगोजन की मौत पर चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। इस बीच दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने भी वैगनर चीफ येवगिनी प्रिगोजन की मौत की खबर पर शक जताया और पूरे हादसे को सिर्फ एक दिखावा बताया है। उधर अमेरिका के मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने प्रिगोजन की मौत की भविष्यवाणी 2 महीने पहले कर दी थी। इसके साथ ही आरोप लगाया कि पुतिन ने ही प्रिगोजन की हत्या की साजिश रची, क्योंकि उन्होंने तख्ता पलट की कोशिश कर पुतिन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया था। वैगनर के विद्रोह के बाद से ही इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रिगोजन के साथ कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है, क्योंकि 2014 में वैगनर ग्रुप के गठन के बाद से ही प्रिगोजन इसकी अगुवाई कर रहे थे और उनकी मौत के बाद वैगनर ग्रुप का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। माना जाता है कि इस ग्रुप में अभी भी 25,000 से ज्यादा लड़ाके मौजूद हैं। जबकि रूस के मीडिया ने पुतिन के खिलाफ बगावत करने वाले येवगिनी प्रिगोजन की मॉस्को के पास हुए एक विमान हादसे में मौत का दावा किया है। रूस के मीडिया के मुताबिक इस भयानक हादसे में प्रिगोजन समेत 10 लोगों की जान चली गई। रूस के मीडिया के मुताबिक जो विमान क्रैश हुआ वो मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था। बाद में रूस की तरफ से ये बयान जारी किया गया कि विमान में मौजूद यात्रियों की लिस्ट में येवगिनी प्रिगोजन का नाम भी शामिल था। तमाम दावों के बीच प्रिगोजन के प्लेन क्रैश का रहस्य और गहरा हो गया है। बड़ा सवाल यह है कि अगर प्लेन क्रैश हुआ तो किसके इशारे पर हुआ, और अगर प्रिगोजन जिंदा है तो मौत की खबर क्यों फैलाई गई है। प्रिगोजन की मौत को लेकर दुनिया में कई थ्योरी पेश की जा रही है, किसी को यकीन है किसी को नहीं है, लेकिन अब सवाल यह है कि रूस में बगावत करने वाले और कौन लोग हैं जिनकी जान खतरे में है। इस वक्त रूस के एक जनरल बहुत डरे हुए हैं और साथ में है ऐसे कमांडर जो कांप रहे हैं। मुमकिन है कि अगर कोई पुतिन से दुश्मनी मोल ले तो उसकी मौत ना हो। ज़ेलेंस्की खुद अभी तक खुल्लम खुल्ला यूक्रेन में घूम रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, हथियार ला रहे हैं, लेकिन येवगिनी प्रिगोजन ने पुतिन के साथ जो किया था उसके बाद पुतिन से दुश्मनी का फॉर्मूला बदल चुका है। ये बात प्रिगोजन को भी बहुत अच्छी तरह मालूम रही होगी कि पुतिन से दुश्मनी का मतलब मौत होती है, पुतिन से गद्दारी का मतलब मौत होती है, और पुतिन से बगावत का मतलब 100% मौत ही होती है। तेईस जून को जब प्रिगोजन ने बगावत करके रोस्तो से मॉस्को कूच करने का फैसला लिया था, तब एक तरह से उसने अपने अंत को दावत दे दी थी। अब ये इत्तेफाक कहा जाए या फिर कुछ और, 23 जून को येवगिनी प्रिगोजन ने पुतिन के खिलाफ बगावत की और 23 अगस्त को प्रिगोजन की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। यानी बगावत करने के बाद प्रिगोजन का काम सिर्फ 2 महीने में ही तमाम हो गया। पूरी दुनिया जानना चाहती है कि प्रिगोजन के बाद कौन है वो दुश्मन, कौन है वो गद्दार और कौन है वो बाकी जिसका अंत प्रिगोजन जैसा हो सकता है। बहुत साफ शब्दों में पूछा जाए तो येवगिनी प्रिगोजन के बाद अब किसका नंबर है, पुतिन का कौन सा दुश्मन, कौन सा गद्दार, कौन से बाकी के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पुतिन रूस के दुश्मन को बर्बाद कर देते हैं, पुतिन रूस के गद्दार को खत्म कर देते हैं, पुतिन रूस से बगावत करने वाले को कतई माफ नहीं करते। ये बात पूरी दुनिया को मालूम है, इसलिए इस वक्त सबसे बड़ा खतरा एक ऐसे कमांडर पर मंडराने लगा है जिसे पुतिन ने सिर आंखों पर बैठाया, अपनी फौज की कमान सौंपी और उसे यूक्रेन पर फतह करने की जिम्मेदारी दी। ये है रूस का पूर्व जनरल सर्गेई सोरोविकिन, जो सीरिया के युद्ध में ISIS का काल बनकर उभरा था।
वो 23 जून से पहले पुतिन का खासम खास था और 23 जून के बाद पुतिन के लिए सबसे बड़ा गद्दार बन गया। जब यूक्रेन का युद्ध बहुत नाजुक दौर में पहुंचा, पुतिन खेरसोन हार चुके थे, बखमूत में टक्कर मिल रही थी, ज़ापोरिज़्या में टक्कर तेज हो चुकी थी और क्राइमिया पर जब ज़ेलेंस्की के हमले बढ़ने लगे तो पुतिन को खबर मिली कि वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोज़िन नाराज है। ये तस्वीरें 23 जून की हैं। ये रूस का रोस्तोव शहर है। तब पूरे रूस में जैसे भूचाल आ गया, दुनिया हैरान रह गई। लोग सुबह उठे तो भौंचक्के रह गए क्योंकि प्रिगोज़िन की मिलिशिया वैगनर ने यूक्रेन के पास इस शहर पर एक तरह से कब्जा कर लिया था। वहां के मिलिट्री हेडक्वार्टर पर वैगनर के लड़ाके मौजूद थे और अब वो 25,000 का लश्कर लेकर मॉस्को की तरफ कूच करने वाला था। इसके बाद मॉस्को में उठा पटक शुरू हुए और पुतिन ने जो ऑर्डर जारी किया उसके मुताबिक जनरल सर्गेई सुरोविकिन को एरोस्पेस चीफ के पद से बर्खास्त कर दिया गया था। पुतिन को पता चला था कि जनरल सर्गेई सुरोविकिन ने वैगनर चीफ प्रिगोज़िन की मदद की है। इसके बाद सुरोविकिन को हिरासत में ले लिया गया। जांच में पता चला कि जनरल सुरोविकिन को वैगनर के विद्रोह के बारे में हफ्तों पहले से पता था, लेकिन उसने पुतिन को इस बारे में ना बताकर देशद्रोह किया। इसलिए सवाल फिर से कि क्या प्रिगोज़िन के बाद अगला नंबर जनरल सर्गेई सुरोविकिन का है। हालांकि बगावत के अगले दिन सुरोविकिन के सुर बदले बदले से थे। सुरोविकिन के चेहरे पर एक जनरल, एक कमांडर का रौब गायब था। वो बोल वैगनर के खिलाफ रहा था, लेकिन उसकी आवाज में पुतिन से माफी और दया की भीख नजर आ रही थी। призываю остановиться. Противник только ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противника в эти тяжелые для страны время. रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद जो कुछ हो रहा है उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुतिन के गुस्से का लेवल क्या रहा होगा। पुतिन पिछले 1.5 साल से ठीक से सोए नहीं हैं, ये उनके करीबी भी मानते हैं। पुतिन हर पल यूक्रेन के युद्ध की खबर लेते हैं, वो हर कमांडर से बात करते हैं। पुतिन हर मोर्चे की रणनीति और उससे जुड़े फैसलों में ना सिर्फ शामिल होते हैं बल्कि वहां यूक्रेन को कितना नुकसान पहुंचाना है, किस लेवल का हथियार इस्तेमाल करना है, इसमें पुतिन राय भी लेते हैं और देते भी हैं। देखिए वो वीडियो जिसमें पुतिन एक कमांड पोस्ट पर गए थे और वहां उनकी मुलाकात सुरोविकिन से हुई। Верховный главнокомандующий вооруженных сил Российской Федерации. Оперативный состав действует согласно моего расчета. Заместитель командующего генерал Суровикин. Товарищи офицеры. Товарищи офицеры. Здравия желаю. ये बातें गवाह हैं कि जब पुतिन इस युद्ध में इतनी मेहनत कर रहे हैं, जब वो यूक्रेन को हराने के साथ नाटो को शिकस्त देने के लिए दिन रात प्लानिंग कर रहे हैं, तो जाहिर है कि वो अपने कमांडरों से भी पूरी वफादारी से काम की उम्मीद करते हैं। लेकिन वैगनर चीफ के साथ सुरोविकिन ने भी पुतिन को एक तरह से धोखा दिया। रूस के फैसले इसी तरफ इशारा करते हैं। इन्हीं सब बातों को देखकर पुतिन युद्ध को लेकर बहुत जज्बाती हो चुके हैं। यही वजह है कि पहले प्रिगोज़िन और फिर सुरोविकिन के कर्मों को देखकर पुतिन के गुस्से का तापमान उतना ही ज्यादा बढ़ता गया। ये युद्ध वाले बुखार की वो स्टेज रही जिसमें अचानक से पुतिन को बड़े झटके देने शुरू कर दिए। अब तक रूस की मीडिया में ये भी कयास लगाए जाते रहे हैं कि सुरोविकिन को हिरासत में रखा गया है, वो पुतिन की सीक्रेट सर्विस के कब्जे में है। लेकिन सुरोविकिन की बेटी ने रूस के एक सोशल मीडिया चैनल को जून के आखिर में बताया था कि उसके पिता यानी सुरोविकिन को गिरफ्तार नहीं किया गया है। लेकिन अब अगस्त गुजरने वाला है और इस वक्त सुरोविकिन के ठिकाने का कुछ पता नहीं है। सुरोविकिन रूस में कहां है कोई नहीं जानता सिवाय रूस की सीक्रेट सर्विस के। इसलिए फिर से बड़ा सवाल है, क्या प्रिगोज़िन के बाद अगला नंबर सुरोविकिन का है। 23 जून को प्रिगोज़िन की लीडरशिप में हजारों वैगनर लड़ाकों ने मॉस्को की तरफ कूच किया था। उनका मकसद साफ था कि किसी तरह पुतिन को रूस की सत्ता से हटाकर उनका तख्ता पलट कर दिया जाए, लेकिन प्रिगोज़िन इसमें नाकाम रहा। पुतिन ने ऐसा जाल बिछाया कि प्रिगोज़िन को अपनी साजिश कैंसिल करनी पड़ी। एक तरह से ये पुतिन के सामने हथियार डालने जैसा कहा गया। पुतिन को वैगनर पर बहुत भरोसा रहा है। प्रिगोज़िन ने पुतिन को बखमूत जीत कर भी दिया, लेकिन वो बार बार ऐसे वीडियो भी पोस्ट करता रहा जिसमें रूस से हथियारों की जायज मांग के साथ उसके दिलो दिमाग पर छाई बगावत की बू भी आने लगी थी। और 23 अगस्त को पूरी दुनिया ने चांद पर हिंदुस्तान का दम देखा।
लेकिन आज पहली बार चांद से वो वीडियो सामने आया जिसमें भारत का रोवर चांद पर तिरंगा लेकर उतरता दिखाई दे रहा है। और इस वीडियो को देखकर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से अब चौड़ा हो रहा है। इसरो ने कुछ देर पहले ही चांद